नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 24 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे सभी व्यूअर्स के लिए अहम सूचना। अगर आप रोजगार की तलाश में बैठे हैं और आपको रोजगार से जुड़े समाचार की तलाश है तो आप हमारे YouTube चैनल GUBPVT को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञात हो हमारे चैनल पर आपको डेली प्राइवेट से लेकर सरकारी नौकरी की ताजा जानकारी मिलेगी। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की। अब घर बैठे बैठे करें पुलिस कंप्लेंट। बिहार में अगले 24 घंटे में बारिश को लेकर जारी हुई चेतावनी। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की सूची अब जारी होगी ऑनलाइन। बिहार में सरकारी कर्मियों के लिए नई व्यवस्था की शुरू हुई तैयारी। बिहार के किसानों को फसल के मॉडल के आधार पर मिलेगी मदद। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल ने निकाली रख दिया। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के कुल मिलाकर 27 पद पर आवेदन की मांग की थी। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें मेडिसिन, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी तय की गई है। इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक विषय में MBBS, MD या समकक्ष और एक साल का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 7 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bhel.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। मोदी से मिले 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का काफिला। बिहार में इन दिनों जातीय जनगणना की मांग जोर शोर से सुनाई दे रही है। इसी मांग को लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद सभी की मुलाकात हुई और मिलने के बाद सभी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम ने इस मुद्दे को अस्वीकार्य नहीं किया है, जिससे कि अभी भी उम्मीद बाकी है। वहीं तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि अगर बिहार में जानवरों की गिनती हो सकती है तो बिहारवासियों की क्यों नहीं। इसी के साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जातिगत जनगणना हर हाल में होनी चाहिए, पीएम मोदी ने हमारी बात गंभीरता से सुनी है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव से उनके पिता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की तबीयत के विषय में जाना। वहीं मुकेश सहनी ने पीएम मोदी को चांदी की मछली भेंट की। अगले महीने युद्ध स्तर पर चलेगा मिशन परिवार विकास अभियान। बिहार में 6 से 25 सितंबर के बीच मिशन परिवार विकास अभियान की शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत 6 सितंबर से 12 सितंबर तक दंपति संपर्क सप्ताह और 13 सितंबर से 25 सितंबर तक परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इस दौरान दंपतियों को दी जाने वाली प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए मेडिकल टीम का गठन कर निशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी। सरकारी जानकारों की माने तो इस अभियान के दौरान परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। इस बाबत मंगल पांडे ने कहा है कि मिशन परिवार विकास अभियान का आयोजन सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाओं में आयोजित किया जाएगा। अभियान विभिन्न चरणों में संपादित होगा। हर तरह के आपात सेवाओं के लिए डायल करें एक ही नंबर। बिहार में अब आप किसी भी तरह के आपात सेवा के लिए एक ही नंबर 112 पर फोन करके मदद ले सकते हैं। अभी तक आपको आपात के समय में मदद के लिए अलग अलग नंबर पर कॉल करके मदद की गुहार लगानी होती थी, लेकिन अब आप 112 पर कॉल करके पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन समेत सभी सेवाएं आसानी से ले सकते हैं। इस बाबत राज्य में जल्द ही इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को लॉन्च करने का काम किया जाएगा। इस दिशा में सिस्टम तैयार करने के लिए काम शुरू हो गया है। इसके तहत 400 गाड़ियों की खरीदारी भी कर ली गई है, जो कि अब इमरजेंसी नंबर पर फोन आने के साथ ही स्पॉट पर पहुंचने और गश्ती का काम करेगी। अधिकारियों की माने तो इस साल दिसंबर महीने में इस इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। अगले 24 घंटे में बारिश को लेकर जारी हुई चेतावनी। बिहार में अगले 24 घंटे में बारिश के लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 25 और 26 अगस्त के दौरान बिहार में बहुत बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बीते कई दिनों से प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत राजधानी पटना के साथ ही समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर जिले के कुछ हिस्से, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सीतामढ़ी, शेखपुरा, लखीसराय में बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार के 7 शहरों में बनेगा जेईई मेन परीक्षा 2021 का सेंटर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन के चौथे चरण का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जिसके तहत अब यह परीक्षा 26, 27 और 31 अगस्त तक 1 या 2 दिसंबर को आयोजित की जाएगी।
इस बाबत एनटीए ने अपना बयान जारी करते हुए साफ कहा है कि एडमिट कार्ड स्टूडेंट अपने आवेदन संख्या और जन्म तारीख डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं बिहार के 7 शहर में सेंटर बनाए गए हैं। इसमें पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और आरा में ऑनलाइन सेंटर बनाए जाएंगे, जिसके तहत अगर आप इस परीक्षा से जुड़ी किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या अगर आपको कोई परेशानी है तो आप 011-4075-9000 नंबर पर कॉल करके या फिर ईमेल आईडी jeemain@nta.ac.in के माध्यम से एनटीए से सीधा संपर्क कर सकते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे सुबोध गुप्ता की। सुबोध गुप्ता का जन्म बिहार के एक छोटे से कस्बे खगौल में हुआ था। सुबोध गुप्ता नई दिल्ली में स्थित एक भारतीय समकालीन कलाकार हैं। उनके काम में मूर्तिकला, स्थापना, पेंटिंग, फोटोग्राफी, प्रदर्शन और वीडियो शामिल है। गुप्ता को मुख्य रूप से दो कला दीर्घायु नेचर मोर्ट और हॉसर एंड विर्थ द्वारा दर्शाया गया है। गुप्ता को रोजमर्रा की वस्तुओं को शामिल करने के लिए जाना जाता है जो पूरे भारत में सर्वव्यापी है, जैसे कि स्टील, लाखों लोग अपना लंच ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टिफिन बॉक्स, साथ ही थाली, प्लेट, साइकिल और दूध की बाल्टी। बिहार के इंदौर जिले में बनेगा नीट 2021 परीक्षा का सेंटर। कोरोना के प्रभाव के कम होते ही परीक्षाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा केंद्रों की सूची भी हाल ही में जारी की है, जिसके तहत परीक्षा केंद्र की सूची के साथ ही राज्यवार स्टूडेंट्स की सूची भी लगभग जारी की जा चुकी है, जिसमें बिहार से करीब 70,000 परीक्षार्थी नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही बिहार में पटना और गया में सेंटर बनाए गए हैं। नीट 2021 का आयोजन 12 सितंबर को देश विदेश के 202 शहरों में पेन और पेपर मोड में होगा। एनटीए ने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं छात्रों की सहूलियत के लिए ओएमआर शीट का एक नमूना भी जारी किया गया है, ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि नीट की उत्तर पुस्तिका कैसी दिखेगी। पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा इस पद के लिए जारी हुआ चुनाव चिन्ह। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। वहीं आज अधिसूचना जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी बीच जारी तैयारियों के बीच बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह जारी कर दिया है, जिसके तहत आयोग ने मुखिया के लिए 36 चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं, वार्ड सदस्य के लिए 20 चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं, पंचायत समिति सदस्य के लिए 10 चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं, जिला परिषद सदस्य के लिए 20 चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं, सरपंच पद का भी चुनाव चिन्ह रोचक जारी किया गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 12 चुनाव चिन्ह सुरक्षित रखा है। इस चुनाव चिन्ह को वैसी स्थिति में आवंटित किया जाएगा जब किसी पद के लिए प्रत्याशियों की संख्या आवंटित चुनाव चिन्ह से ज्यादा हो जाएगी। बिहार में किसानों को फसल के मॉडल के आधार पर मिलेगी मदद। बिहार में खेती में नई तकनीक के हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने विभिन्न मॉडल पर प्रोत्साहन राशि की दर निर्धारित कर दी है, जिसके तहत कृषि निदेशक आदेश तितरमारे की अध्यक्षता में यूनिट कॉस्ट कमेटी की बैठक के बाद बताया गया है कि यूनिट कॉस्ट मॉडल, जो कि फसलवार पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की बात करें तो चावल के मॉडल पर किसान को 3600 रुपये प्रति एकड़ और 9000 रुपये प्रति हेक्टेयर मदद मिलेगी। इसके अलावा बिना जुताई के गेहूं, अरहर, उड़द उगाने पर भी यही राशि मिलेगी। हाइब्रिड मक्का, सोयाबीन और गर्मी के मूंग के लिए सरकार किसान को 2400 रुपए प्रति एकड़ देगी। इसके साथ ही अब प्रत्यक्षण कार्यक्रम में चयनित किसानों को कुल लागत पर कमेटी द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। पटना एम्स में शुरू हुई इमरजेंसी सेवा। पटना एम्स में बीते दिन से एक बार फिर से इमरजेंसी सेवा की शुरुआत कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आने के साथ ही एम्स प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। कोरोना के कारण इमरजेंसी सेवा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद से बीते दिन से इसे फिर से शुरू कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अब राजधानीवासी समेत सभी बिहारवासियों को इलाज के लिए इधर से उधर नहीं भटकना पड़ेगा। अब गंभीर मरीजों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, जिसकी जानकारी पटना एम्स के अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने दी है। उतरते ही बिहार में शुरू होगा निर्माण कार्य। बिहार के कई जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं बाढ़ के कारण कई निर्माण कार्य भी रुके पड़े हैं। इसी बीच बिहार में निर्माण कार्य को शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि बिहार में बनने वाले 778 ग्रामीण सड़कों और 315 पुलों का निर्माण 31 मार्च 2022 तक पूरा करना था। हालांकि बाढ़ के कारण बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है, जिसके बाद अब करीब 2200 किलोमीटर लंबाई में PMGSY1 और PMGSY2 के तहत इसका निर्माण पूरा करने का निर्देश केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य के ग्रामीण कार्य विभाग को दे दिया है। इतना ही नहीं, जिन परियोजनाओं का काम समय पर पूरा नहीं होगा उसे सरकार को अपने स्रोतों से पूरा करना पड़ेगा। सरकार की यही कोशिश है कि बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही काम दोबारा से शुरू करवा दिया जाए। बिहार में अपराध
प्राथमिकता के आधार पर मिलेगी वैक्सीन। बिहार में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है, जिसके कारण बिहार सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी राहत की सांस ले रहा है। इसी बीच अब वैज्ञानिकों ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर संभावना जताई है और चेतावनी भी जारी की है, जिसके तहत अब बिहार में वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इस बाबत सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र महतो ने बताया कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। ऐसी आशंका है कि तीसरी लहर में सबसे अधिक बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। इसकी वजह से हमें अभी से ही इस महामारी के खिलाफ सावधान होने की जरूरत है, ताकि हम तीसरी लहर से भी खुद को सुरक्षित रखने के साथ साथ अपने बच्चों को भी इस महामारी के प्रभाव से दूर रख सके। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए और उससे बचाव का फिलहाल एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है। बिहार में सरकारी कर्मियों के लिए नई व्यवस्था की शुरू हुई तैयारी। बिहार समेत पूरे देश के सरकारी कर्मियों के लिए नई व्यवस्था को शुरू करने की तैयारी हो रही है। इस बाबत 1 सितंबर 2005 के प्रभाव से नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया गया है। इसके लागू होते ही राज्य में दिए गए तारीख के बाद से ज्वाइन करने वाले सभी कर्मियों को एनपीएस में ही रखा गया है, लेकिन अब राज्य सरकार एनपीएस को लेकर नई नियमावली तैयार करने जा रही है। बिहार में पहली बार इसे लेकर विशेष नियमावली तैयार की जा रही है। वित्त विभाग ने इसको लेकर मंथन शुरू कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 2 महीने में इसे तैयार कर लिया जाएगा। इसमें तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जिससे कर्मियों के सामने एनपीएस में मौजूद सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। इस बाबत वित्त विभाग ने एक कमेटी भी तैयार कर ली है, जो कि वित्त विभाग सचिव लोकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई है। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की सूची अब जारी होगी ऑनलाइन। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में आपका नाम है या नहीं, इस बात की जानकारी लेने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि अब आप आसानी से आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की सूची घर बैठे बैठे ही देख सकते हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में एक लिंक भी जारी कर दिया है। इस सुविधा के हो जाने से राजस्व ग्रामवार सूची को डाउनलोड किया जा सकता है और पात्र लाभार्थी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर और पंचायत भवन में आरटीपीएस पर जाकर आसानी से अपना और अपने परिवार का आयुष्मान कार्ड मुफ्त में बनवा सकते हैं। इतना ही नहीं, अब अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल लिस्ट देखना चाहता है तो वो भी घर बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आसानी से देख सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब घर बैठे बैठे कर सकेंगे पुलिस कंप्लेंट। जल्द ही बिहार पुलिस आम नागरिकों की सुविधा के लिए सिटीजन पोर्टल लॉन्च करने वाली है, जो कि अगले 1 से 1.5 महीने में तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बाबत पुलिस मुख्यालय के एडीजी एससीआरबी कमल किशोर ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सिटीजन पोर्टल के माध्यम से आम व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से कहीं से भी अपनी समस्या थाने तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ शिकायतकर्ता के मोबाइल पर इस पोर्टल के माध्यम से उस केस के बारे में सूचना प्राप्त होती रहेगी। अगर सही समय पर पुलिस कर्मी द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत को दूर किया नहीं किया जाएगा तो हायर लेवल की पुलिस अधिकारी द्वारा इसे मॉनिटरिंग की जाएगी। बिहार पंचायत चुनाव पर इंटरनेट मीडिया बना प्रचार का माध्यम। पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाने वाले संभावित उम्मीदवार अब एक्टिव हो गए हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग भी आज पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी साझा कर सकता है। वहीं इसी बीच पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने भी अपना काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत ही उम्मीदवारों ने अपने प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। इसको लेकर फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर प्रचार का वीडियो अपलोड करने की होड़ मची है। कुछ तो ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो इन साइटों पर बकायदा अपना चुनावी मैनिफेस्टो डाल मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की जुगत में लगे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिला परिषद सदस्य, मुखिया, सरपंच, बीडीसी, वार्ड सदस्य और पंच सदस्य पद के संभावित उम्मीदवारों का मानना है कि अपनी बात जनता तक पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम सोशल मीडिया ही है। विधायक श्रेयसी सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार के जमुई से भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत श्रेयसी सिंह को भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त कर दिया गया है, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति से भाजयुमो के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की घोषणा के बाद जारी किया गया। वहीं चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य अनमोल सोवित को भी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसके बाद उन्हें भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी बधाई दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार की सुश्री श्रेयसी सिंह और अनमोल सोवित को मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य के रूप में नामांकित होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
बिहार के पूर्णिया में बनेगा पहला उद्यमी पार्क। बिहार में जल्द ही राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क बनने वाला है, जो कि बिहार के पूर्णिया में बनेगा, जिसमें नवोदित उद्यमियों को उनके प्रोडक्ट प्रदर्शन का मौका दिया जाएगा। इस पार्क में उद्योग विभाग की तरफ से संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत बने उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादन की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसकी जानकारी जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय वर्मा ने दी है। इस बाबत उन्होंने बताया कि यह राज्य का पहला पार्क होगा, जहां उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत बने उद्यमियों के उत्पाद की की जाएगी। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचने से पहले पशुपति पारस ने उठाया चिराग के दौरे पर सवाल। इन दिनों चिराग पासवान अब तक कई बार हाजीपुर दौरे पर जा चुके हैं। वहीं बीते दिन पहली बार केंद्रीय मंत्री की कुर्सी संभालने वाले पशुपति पारस भी अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित का हालचाल जानने पहुंचे। हालांकि हाजीपुर कूच करने से पहले उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने चिराग पासवान पर भी निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने मीडिया की तरफ से पूछे गए सवाल पर कहा कि चिराग से आप लोगों को पूछना चाहिए कि आखिरकार वो हाजीपुर का दौरा इतनी दफा क्यों कर रहे हैं। वहीं उनके दौरे के दौरान लोगों ने उनका विरोध भी खूब किया। भाजपा ने जदयू पर शुरू की अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जदयू पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। इस बाबत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने गोपाल मंडल के खिलाफ रुख अख्तियार करते हुए कार्रवाई की मांग की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल ही में जदयू विधायक गोपाल मंडल ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के भागलपुर दौरे पर तल्ख टिप्पणी की थी। गोपाल मंडल ने इस बाबत कहा था कि उप मुख्यमंत्री वसूली करने भागलपुर आए थे, जिसके बाद ही उनके इस बयान पर भाजपा ने अपने रुख को सख्त कर लिया है। यही कारण है कि संजय जायसवाल ने साफ कहा है कि तब टुन्ना जी पांडे ने नीतीश कुमार को लेकर टिप्पणी की थी तो भाजपा ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने में देरी नहीं की थी। जदयू को भी उसी तरीके से गोपाल मंडल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत के तट पर पहुंचा। 1690 में कलकत्ता शहर की स्थापना आज के दिन हुई थी। 1969 में वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पांचवें राष्ट्रपति बने थे। 2010 में भारत ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण उड़ीसा में बॉक्साइट को हटाने के लिए समूह वेदांत की खुदाई करके योजनाओं की घोषणा की थी। 2019 में भारतीय राजनेता वकील अरुण जेटली ने आखिरी सांस ली थी। 1969 में अभिनेता मुकेश तिवारी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1983 में अभिनेत्री अदिति शर्मा का जन्म आज ही के दिन हुआ था। के पतले होने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने दिया अपना बयान। अपनी चोट के कारण भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या इन दिनों मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट को लगता है कि हार्दिक पांड्या की मुख्य समस्या ये है कि वो बहुत पतले हैं और स्वस्थ होने के बाद उनका शरीर उनकी गेंदबाजी के अतिरिक्त भार को संभालने में सक्षम नहीं है। इसलिए उनका ऐसा मानना है कि पांड्या को मांसपेशियों के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, यानी उन्हें अपने शरीर को और बिल्ड करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत को हार्दिक पांड्या से काफी उम्मीदें थी। बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले सभी बीडीओ को किया अलग। पंचायत चुनाव से पहले बीते दिन बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत सरकार के ताजा जानकारी के अनुसार बीडीओ को पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के दायित्व से अलग कर दिया गया है। इतना ही नहीं, डीडीसी को भी जिला परिषद मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है, जिसके तहत अब बीडीओ की जिम्मेदारी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को दी गई है। इस बाबत बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अपना बयान जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि सरकार के इस निर्णय से विकास के काम में जरूर तेजी आएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2021 प्रभावी हो गया है, जिसके बाद बिहार पंचायत सेवा के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को 21 अगस्त को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति के पद पर पदस्थापित किया गया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 23 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,450 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,660 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,000 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.51 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है आनंद कुमार, अफसाना प्रवीण, शीला कुमारी मिश्रा, लाल मेहता, ओम प्रकाश कुमार, वेद प्रकाश कुमार, खान सर यूपीएससी, महेश कुमार, भारत प्रसाद, वेद प्रकाश कुमार, अटल पटेल, राजकुमार, उमेश यादव, रितेश कुमार, विकास कुमार सिंह, अटल पटेल, सोनू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार,
है। आपके अनुसार बिहार में जातीय जनगणना करवाना जरूरी है या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।